हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको एक ऐसा हेयर मास्क जो है बताने जा रही हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने हेयर की जो है ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी हेयर की ग्रोथ जो है वो रुक गई है, या आपके हेयर जो है वो टूट रहे हैं, स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं उसमें, या आपकी जो स्कैल्प है वो गंदी रहती है, यानी कि उसमें जो है फ्रिकल्स जमा हो जाते हैं या इचीनेस होती है, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्किन में पसीने आने की वजह से स्कैल्प में जो है गंदगी फंसी रह जाती है, उसको क्लीन करने के लिए, जब हमारी स्कैल्प क्लीन रहती है तो हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो प्रमोट होता है, ये आप सबको पता होगा। तो ऐसा ही हेयर मास्क मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और वो है बायोटिक का एक हेयर मास्क। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे प्लीज नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ बायोटिक के एक मस्क रूट फ्रेश ग्रोथ नरिशमेंट ट्रीटमेंट के बारे में। इंस्टेंट जो है हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट है ये। अगर आपकी, मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी हेयर की जो ग्रोथ है वो रुक गई है तो आप इस मास्क को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये जो है बहुत 100% जो है वो नेचुरल है, आयुर्वेदिक रेसिपी है। आपने बहुत सारे जो है बायोटिक के प्रोडक्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर परचेज कीजिए। हर टाइप की स्किन के अकॉर्डिंग जो है उनके प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट होते हैं। आपको विदाउट केमिकल जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और बायोटिक वन ऑफ द मोस्ट टॉप ब्रांड में से एक है जो कि प्रोडक्ट बनाती है नेचुरल, और जो है जो भी क्लेम करती है वो 100% जो है रिलायबल होते हैं। इसमें जो है मस्क रूट का जो मास्क है वो, इसके कई सारे मास्क आते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ, अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो आप जरूर इस हेयर मास्क को ट्राई कीजिएगा। इसकी पैकेजिंग इस टाइप की कुछ आती है, इसका जो कर्टन है वो इसी टाइप का आता है। जो भी बायोटिक के जो प्रोडक्ट आप खरीदते होंगे, आपको पता होगा कि बायोटिक की जो पैकेजिंग होती है वो ऑलमोस्ट इसी टाइप के कर्टन में होती है। चाहे उसकी जो है फेस क्रीम हो गई, जो है मसाज क्रीम हो गई, या फेस पैक हो गया, जो भी है। तो इस टाइप का एक आपको एक जार मिल जाता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है काफ़ी बार यूज़ कर लिया है, ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया, और आज मैं इसको लास्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इससे आपको जो है बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने इसको कम से कम भी 8 से 10 बार ट्राई किया है, और ये मेरी सेकेंड जो है बोतल है। मैंने, मुझे लगा कि शायद एक से मुझे जो है ना सेटिस्फेक्शन मिले या फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि कैसे है, तो मैंने इसको दोबारा मंगवाया है। मैंने 2 बार यूज़ किया है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये जो है इसमें बायोटिक में लिखा हुआ कि एडवांस आयुर्वेदा के थ्रू बनाते हैं ये, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो ये पैक है ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मेहंदी कुछ टाइप का जो है एक मास्क है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है बिल्कुल कलर, ऐसा कुछ कलर नहीं आता कि आप इसको हाथ पे लगाएंगे तो आपके हाथ जो है वो रेड हो जाएंगे या ब्लैक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, आपको करना क्या है, आप इसको लगाएंगे कैसे, इस पर लिखा हुआ है कि आप इसको जो है कैसे मिक्स करके लगाना है। आपको इसमें लिखा हुआ है कि मिक्स विद एग और योगर्ट। तो मैं जो है, मेरी ऑयली स्किन है तो मैं एग के साथ नहीं लगाती हूँ, मैं इसको योगर्ट के साथ लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऑयली स्किन है तो मुझे स्कैल्प भी क्लीन करनी है और अपने जो जो हेयर है उसमें थोड़ी शाइन भी लानी है। तो मैं इसको योगर्ट के साथ, दही के साथ लगाती हूँ। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको एग या योगर्ट दोनों के में से किसी के साथ भी लगा सकते हैं, और इसको जो है आपने लगाना है सिर्फ 30 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद ये बिल्कुल जब सूखना शुरू कर देता है तो बाल जो है वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि इसको बिल्कुल आपको सिर्फ 30 मिनट्स लगाना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। अब लगाना कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको सिंपली ये जो है लेना है और एक बाउल में निकाल लीजिए। वैसे मैं इसमें भी लगा सकती थी, बट मैं जो है चीनी मिट्टी के जो बाउल हैं उनको प्रेफर करती हूँ। तो आप इसमें जरा सा दही मिलाएंगे, जितना आपका जो पैक है उतना ही आपको इसमें दही मिक्स करना है। बराबर क्वांटिटी में आपका जो है मिक्सचर होना चाहिए अच्छे से। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितना पैक लें और कितना दही लें, तो आप बराबर मात्रा में ही पैक और दही दोनों लेंगे, और इसको जो है इस टाइप का एक पेस्ट आपके लिए रेडी हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट हाथ से लगा सकते हैं, आपको किसी भी ग्लव्स की या ब्रश की ज़रूरत नहीं है, बट ये ज़रूर श्योर करें कि ये जो है आपकी स्कैल्प पे ज़रूर लगा हो, क्योंकि
क्योंकि हमने जो है मेन जो है अपनी स्कैल्प को क्लीन करना है, हेल्दी करना है, तो इस टाइप का एक जो है हेयर मास्क आपके लिए तैयार हो जाएगा अच्छा सा। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में वो आपके फेस पे आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा या आपको भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो इस टाइप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक होती है हेयर मास्क के लिए। तो देखिए बराबर मात्रा में हमने पैक लेना है और बराबर मात्रा में हमें दही लेना है। तो आपको लगाना कितनी बार है, आप इसको वीक में एक बार लगा सकते हैं या दो बार लगा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको वीक में सिर्फ एक ही बार लगाएं और उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बायोटिक के मेरे और जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं इस, तो मैंने एक वीडियो बायोटिक के प्रोडक्ट के साथ मैंने पहले भी बनाई थी, मैंने कौन कौन से उसके प्रोडक्ट जो है यूज़ किए हैं और मुझे क्या रिजल्ट मिला है। उसके अलावा आप जो है अगर इसको परचेज करना चाहते हैं, मैंने ये लोकल ड्रग स्टोर से परचेज किया था और मैंने सेकेंड टाइम इसको ऑनलाइन परचेज किया था तो मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिला था। इसका ऑनलाइन परचेजिंग लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं और आप यूज़ कीजिए और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा